हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा। आप मेरे चैनल देख रहे हैं माय चॉइस प्रॉपर्टी। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन लेकर के आया हूं। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन पे डुप्लेक्स प्लान कर रहे हैं या पेंट हाउस देख रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक रेपुटेड बिल्डर की प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं एंड उसके साथ ही साथ डुप्लेक्स का ऑप्शन लेकर के आए हैं। डुप्लेक्स का आज हम सैंपल भी देखने वाले हैं इसके अंदर। और आज हम बात करते हैं डुप्लेक्स की, तो ये 4 BHK का डुप्लेक्स आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन काफ़ी शानदार आ जाती है। नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 की लोकेशन आती है। अगर हम बिल्डर की बात करते हैं तो बिल्डर एक्सप्रेस अस्ट्रा के नाम से ये प्रोजेक्ट आ जाता है। एक्सप्रेस आपका बिल्डर आ जाता है जिन्होंने सेंट्रल नोएडा हो गया, वैशाली, इंदिरापुरम एंड उसके अलावा दिल्ली हो गए, तो इन्होंने काफ़ी 70+ में प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं, तो काफ़ी पुराना आपका ये रेपुटेड बिल्डर आ जाता है एक्सप्रेस बिल्डर, जो कि उनका ये न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है एक्सप्रेस अस्ट्रा के नाम से। फेज 1 का ऑलरेडी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अब फिनिशिंग स्टेज पे स्टार्ट हो गया है। फेज 2 अभी इनका काम स्टार्ट हो गया, जो कि फेज 2 में कुछ टावर का ग्राउंड फ्लोर पे काम आ चुका है, कुछ में गड्ढा खुदना स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इसके अंदर डुप्लेक्स देखने वाले हैं। 2335 स्क्वायर फिट एंड 2350 स्क्वायर फिट ये दो कैटेगरी आ जाती हैं, और काफ़ी अच्छे ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। टोटल अगर हम लैंड की बात करते हैं तो टोटल 6 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आता है, जिसके अंदर टोटल 10 टावर आते हैं, जिसके अंदर आपको डुप्लेक्स एंड 1, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। लोकेशन काफ़ी शानदार आ जाती है। आप आएंगे कैसे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप सेंट्रल नोएडा से आते हैं, नोएडा एक्सटेंशन में एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपका गौर चौक आता है। चारमूर्ति चौक से आपको राइट लेना है, राइट लेकर के सीधा स्ट्रेट चलेंगे, आगे चलेंगे एक हनुमान मंदिर गोल चक्कर आता है, जो कि सेकंड कनेक्टिविटी भी आपकी बन चुकी है। अगर आप सेक्टर 78-79 से होते हुए आते हैं FNG क्रॉस करते हुए, तो आप हनुमान मंदिर गोल चक्कर पे आते हैं, तो ये दोनों ब्रिज बन चुके हैं, जो कि गौर चौक एंड सेक्टर 78-80S गोल चक्कर वाला इसे ब्रिज बोलते हैं, तो वो भी बन चुका है। 2 साइड से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी एंड फिर आप स्ट्रेट चलेंगे प्री चौक वाले रास्ते पे, तो हनुमान मंदिर से मान के चलिए आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे और चलेंगे तो राइट हैंड पे आपको यथार्थ हॉस्पिटल देखेगा, जो कि लैंडमार्क है पूरे नोएडा एक्सटेंशन में। यथार्थ हॉस्पिटल फेमस आ जाता है। उसी के अपोजिट में ये हमारा प्लॉट आ जाता है, कोने का प्लॉट आ जाता है। 2 साइड ओपन ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है, तो एक्सप्रेस अस्ट्रा के नाम से ये प्रोजेक्ट आ जाता है। एंड बिल्डर किस टाइप से लॉबी बना करके देगा, प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रीमियम कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। लॉबी इन्होंने एक सैंपल रेडी किया हुआ है, लॉबी एंड वेटिंग रूम का, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस टाइप से बना करके ये देंगे। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम अमेनिटीज की बात करते तो आपको 40,000 स्क्वायर फिट का क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रोजेक्ट को लग्जरी बनाता है। इसके अंदर 40,000 स्क्वायर फिट का क्लब हाउस हो गया, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केट कोर्ट, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ये सारी अमेनिटीज देखने मिलेगी। एंड इसके साथ ही साथ इन्होंने एक स्विमिंग पूल के साथ साथ एक वाटर बॉडी अलग बनाई हुई है, जैसे आपके वाटर से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल होते हैं तो उसके लिए वो उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। टॉप फ्लोर पे ये रूफ टॉप ये रेस्टोरेंट लेकर के आए हैं एंड मिनी थिएटर लेकर के आए हैं, और सारी एमेनिटीज आपको सैलून से लेकर के रेस्टोरेंट से लेकर के बहुत सारी चीज़ें इसे सोसाइटी के अंदर कवर करके दे रहे हैं। फ्रंट में इन्होंने कॉमर्शियल मार्केट बनाई हुई है, जो कि डेली नीड सामान के लिए वो दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आइए चलते अपने डुप्लेक्स सैंपल फ्लैट की तरफ। आ चुके हैं अपने टावर की लॉबी पर, तो जिस टाइप से डिजाइन हुई है उस टाइप से आपको लॉबी देखने को मिलेगी, या सैंपल पे बनाई हुई है। जितना भी स्टोन का काम देख रहे हैं, मार्बल का काम देख रहे हैं, फ्लोरिंग देख रहे हैं, सारा का सारा आपको इसी टाइप का होकर के मिलने वाला है। लिफ्ट का स्पेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, 3 लिफ्ट एक फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगी। ओनली 4 अपार्टमेंट आते हैं। डुप्लेक्स की बात करते तो 1 फ्लोर पे 2 आते हैं। ये हमारा वेटिंग रूम आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम आपको अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, एकदम प्रीमियम लॉबी देखने को मिलेंगी। टावर के एंट्री जो लॉबी दी हुई है काफ़ी प्रीमियम दी हुई है इसके अंदर। सामने आपकी ये कॉमन लिफ्ट आ जाती हैं एंड इसके साथ ही साथ एक सर्विस लिफ्ट आपको देखने को मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये लेआउट आ जाता है डुप्लेक्स का, 4+2325 स्क्वायर फिट का साइज, ये एक्चुअल लेआउट आ जाता है, सैंपल आ जाता है। एंटर करते ही आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राइंग एंड डाइनिंग से अटैच आपको फर्स्ट बालकनी देखने को मिलेगी।
सामने हमारा मेन गेट हो गया है, एंटर करते हैं ड्राइंग एंड डाइनिंग। उसके साथ ही साथ ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स दिए हुए हैं और सामने स्टेयर्स के जस्ट बगल में यूटिलिटी के लिए बालकनी दी हुई थी। तो ये हमारी ड्राइंग एंड डाइनिंग से अटैच बालकनी आ जाती है। अगर साइज की बात करते हैं तो ये 30x20 का साइज आता है ड्राइंग एंड डाइनिंग का। 30x20 का आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सैंपल रेडी हो रहा है, इसके अंदर काम चल रहा है। यू शेप में ये हमारी किचन आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर किचन के साइज की बात करते हैं तो 8x12 की आपकी किचन रहेगी। एंड फर्स्ट बेडरूम आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये हमारा एक फ्लोर आ जाता है डुप्लेक्स। अभी इसके ऊपर हम डुप्लेक्स पे भी चलेंगे, ऊपर फ्लोर पे भी चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। अगर इसके साइज की बात करते हैं, ये मास्टर बेडरूम आ जाता है ग्राउंड फ्लोर पे जो दिया हुआ है। इसके अगर साइज की बात करते हैं 14x11 का आपका फर्स्ट बेडरूम रहेगा अटैच बालकनी के साथ। प्रॉपर रोड फेसिंग आपको यूनिट देखने को मिलेगी एंड सेकेंड यूनिट आपको पार्क फेसिंग देखने को मिलेगी। तो दोनों टाइप से यूनिट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। बालकनी काफ़ी अच्छी आ जाती है, रनिंग बालकनी रहेगी। अटैच आपको टफन ग्लासेस के साथ आपको बालकनी देखने को मिलेगी। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। एंड ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर, जैसा कि आप देख रहे हैं। सामने यूटिलिटी के लिए बालकनी दी हुई है, तो बालकनी का काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर यूटिलिटी के लिए दी हुई है, ये आ जाती है हमारी बालकनी। वॉशरूम मशीन वगैरह यहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन एंट्री गेट आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर, यानी कि ये ग्राउंड हो गया, फर्स्ट पे चलते हैं। तो डुप्लेक्स हमारा ये आ जाता है, ये मेन गेट हो गया, यहाँ से हमने एंटर किया था। ये हमारे टावर की लॉबी आ जाती है। अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही स्टेयर से आप एंटर करेंगे तो ये आपका लॉन्ज एरिया आता है। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो 12x9 का साइज रहेगा। एंटर करते ही आपको राइट हैंड पे आपका गेस्ट रूम देखने को मिलेगा, जिसके साथ अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी। अगर गेस्ट रूम के साइज की बात करते हैं तो आपका 11x9 का आपका गेस्ट बेडरूम रहेगा अटैच बालकनी के साथ। तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है और डुप्लेक्स आपको देखने को मिल जाता है। टोटल साइज की बात करते हैं 2325 स्क्वायर फीट का साइज आ जाता है। ये हमारा डुप्लेक्स फेस वन के अंदर आ जाता है, जिसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, जिसका एक साल के अंदर पोजीशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर माई वन के अंदर ये बना हुआ प्रोजार्ड आ जाता है। ये आपका कॉमन वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। एंड ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, सेकंड बेडरूम फैमिली आ जाता है। ये हमारा थर्ड बेडरूम हो गया। थर्ड बेडरूम की अगर साइज की बात करते हैं तो 10x12 का आपका अटैच बालकनी के साथ बेडरूम रहेगा। कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है एंड उसके साथ ही साथ विंडो भी दी हुई है, तो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। एकदम प्रॉपर ईस्ट और फेसिंग में आपको यूनिट देखने को मिलेगी। प्रॉपर पार्क फेसिंग आपको यूनिट देखने को मिलेंगे इसके अंदर। लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त आ जाती है। सामने आप देख रहे हैं ये अर्थात हॉस्पिटल हो गया। एंड ये वाला टावर देख रहे हैं, ये हमारा 3BHK आ जाता है, 2005 स्क्वायर फीट का साइज। एंड ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है अटैच वॉशरूम के साथ। अगर मास्टर बेडरूम के साइज की बात करें तो 14x11 का आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। टू साइड इसका कवर्ड का स्पेस दिया हुआ है एंड अटैच वॉशरूम के साथ। तो प्रॉपर 4BHK दिया हुआ है, 4BHK 4 टॉयलेट के साथ, जिसका साइज है 2325 स्क्वायर फीट का। अगर डुप्लेक्स आप प्लान कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और फेज टू में ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, फेज टू में जिसका पोजीशन 2026 में दे रहे हैं, काम स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और प्योरली माइवन के अंदर आ जाता है, इसके अंदर फुल मॉड्यूलर किचन, वॉल डॉप्स वगैरह या चिमनी वगैरह ये सारी चीज़ें लगा करके दे रहे हैं। एंड ये स्टेयर्स आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए, तो प्रॉपर डुप्लेक्स आपको चीज़ें बना करके दे रहे हैं। दिखाता हूँ क्या किस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं एंड क्या क्या इसके अंदर चीज़ें अवेलेबलिटी आ जाती हैं। ये हमारा फेस वन आ जाता है, जो स्ट्रक्चर कंप्लीट है। एंड ये फेस टू आ जाता है, जिसका ग्राउंड फ्लोर पे काम आ चुका है। ये हमारा फेस टू आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो डुप्लेक्स आ जाते हैं, एक 2635 स्क्वायर फीट और 2650 स्क्वायर फीट, वो भी साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये हमारे 3BHK 2005 वाला टावर आ जाता है। जैसा कि आपने सैंपल देख लिया, उसी टाइप की आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके अंदर आपको फुल मॉड्यूल है, किचन हो गया, बोर्ड ऑफ चिमनी हाउ, ये सारी चीज़ें आपको लगा करके दे रहा है बिल्डर। तो आप बोल सकते हैं सेमी फर्निश आपको फ्लैट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं डोप्लेक्स के अंदर। अंदर से स्टेयर्स दी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, तो दो फ्लोर का आपको डोप्लेक्स देखने को मिल जाता है। अगर हम प्राइजिंग की बात करते हैं तो प्राइज इसके अंदर जो स्टार्ट होता है 7300 रुपये 7300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। एंड उसके बड़े साइज में जाते हैं तो आपका 8300 रुपये और 9300 रुपये, ये कैटेगरी डिवाइड की हुई हैं। तो वो आप डिटेल्स लेने के लिए आप हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर से रखा है, डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। साइड विजिट प्लान आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फुल्ली पेड अप आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं।